इस वीडियो में हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड रिसर्च, यानी कि आपकी एक गुड रिसर्च जो है वो उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस तरह से आप कह सकते हैं कि दैट इज़ अ गुड क्वालिटी रिसर्च। तो हम बात करें इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, कि यानी कि आप जो है किसी और का रिसर्च लेके उसी को रेप्लीकेट कर रहे हो। रेप्लीकेट किस तरह से कर रहे हो, इट डजेंट मीन कि आपने आर्टिकल पकड़ा और उसी तरह उसको प्रेजेंट कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इस तरह से तो नहीं होगा, दैट वुड बी प्लेजराइज। रेप्लीकेट मीन्स कि किसी और ने उस पर ऑलरेडी रिसर्च कंडक्ट करवाई है। हो सकता है अब लेट से मैं एक टॉपिक पे काम कर रही हूँ, तो मैंने पहले देखा कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी रिसर्च हुई थी, लेकिन वो रीजन कौन सा हो, तो वो टर्की का था। अब मैं उसी रिसर्च को अपने रीजन में, अपने एरिया में आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, तो मैंने चीज़ें वहीं ले ली, लेकिन मैंने जो है उसको अपने रीजन पे है जो अप्लाई किया। इट कैन बी रेप्लीकेटेड, वही चीज़ की आप इसको रेप्लीकेट कर सकते हो। इट इज़ जनरलाइजेबल, किसी और के काम जो है उस पर काम कैसे कर सकते हो, कि किसी और ने एक काम किया हुआ है तो हो सकता है आप उसी से आगे, यानी किसी ने काम किया है कि किसी की यानी कि किसी भी डाटा के रिगार्डिंग काम किया, तो उन्होंने जेंडर पे बात नहीं की, यानी ये नहीं बताया कि मेल और फीमेल की क्या पर्सपेक्टिव थे, उन्होंने ओवरऑल बताया कि ओवरऑल पीपल बिलीव अकॉर्डिंग टू इट। तो अब मैंने क्या किया, उसको उसी काम को लिया, लेकिन मैंने वहाँ से जेंडर बेस्ड जो है वो स्टडी निकाली कि फीमेल बिलीव्स दिस पर्सन और जो मेन है वो इतना पर्सन जो है वो उसको बिलीव करते हैं। ठीक है, जनरलाइजेबल टू अदर सेटिंग्स, और सेटिंग्स पे भी जनरलाइज कर सकें। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इट इज़ बेस्ड ऑन सम लॉजिकल रैशनल एंड टाइड टू द थ्योरी, यानी कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं और उसके एक बेसिकली लॉजिक एविडेंस होने चाहिए। लॉजिक जो है वो चीज़ें आप जो हैं वो कंसिडर करोगे, और एक इशू जो है उसको लिया और उसके बाद आपने उस पर काम किया। डूएबल मीन्स कि आपने जो काम किया है वो कोई और भी उसी आपके काम को दोबारा से जनरेट, रीजनरेट या रेप्लीकेट कर सके, इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए। इट जनरेट्स न्यू क्वेश्चन और इज़ अ साइक्लिंग इन नेचर, यानी कि आपने एक क्वेश्चन जो है उस पर पॉइंट ट्रेस किया, तो इसी पे दोबारा क्वेश्चन एबल भी हो, यानी कि आपने जो है वो एक रिसर्च की और उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया। इट कैन बी क्वेश्चन एबल कि कोई और पर्सन उस पर क्वेश्चन रेज कर सकता है, सो दैट इज़ परफेक्टली ओके, राइट। इसके अलावा क्या है आपकी रिसर्च में, कि आप जो है इसका इसको क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, इंक्रीमेंटल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि आप डायरेक्ट बात करें और डायरेक्टली यू आर स्टेटिंग द रियल प्रॉब्लम, उसको घुमा फिरा के नहीं लिखना, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल आंसर वर्डिंग में जो है आप उसको स्टेट करोगे। इसके अलावा इट क्लियरली स्टेट्स अ वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट्स टू बी एग्जामिन, वेरिएबल आपके क्लियर होना चाहिए, रिसर्च मेथड आपका क्लियर होना चाहिए, एंड रिसर्चर जो है उसको बहुत ही सिंसियरली उसमें जो है वो पार्ट लेना चाहिए और इंटरेस्ट शो करना चाहिए। इट इज़ एन ए पोलिटिकल एक्टिविटी दैट शुड बी अंडरटेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और इसको ए पोलिटिकल होना चाहिए कि आप सोसाइटी में रिफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी जो है उसको पॉलिटिकल वे में सियासी तौर पे कोई रिसर्च कर दी आपने और उसका एक एथिक से कोई लेना देना नहीं है। सो इट शुड बी लाइक दैट कि जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, एंड इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।